देखते हैं यहाँ पर, नाइन नंबर, नाइन नंबर में देखिए दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू में फोर। अच्छा दूसरा दिया है एक्स बाई थ्री प्लस टू वाई इक्वल टू में फाइव। इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से, और इसमें या फिर इसमें फोर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वाई वाला सेम हो सके, और इसमें वन से, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो देखो टू वाई आ जाएगा, और यहाँ पर टू वाई ऑलरेडी है, तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई फोर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई वन इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू में सिक्सटीन। यहाँ हो जाएगा एक्स बाई थ्री प्लस टू वाई इक्वल टू में यहाँ पर है फाइव, ये ना दिया हुआ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो ना साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये दोनों कट जाएगा। फोर एक्स माइनस का एक्स बाई थ्री इक्वल टू में सिक्सटीन में से फाइव को सेपरेट कर देंगे तो अलेवन आ जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं थ्री, तो यहाँ हो जाएगा आपका ट्वेल्व एक्स माइनस एक्स इक्वल टू में अलेवन, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में। तो ऊपर देखो यहाँ अलेवन एक्स बाई थ्री इक्वल टू में अलेवन, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अलेवन इंटू थ्री, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, थ्री आ गया, एक्स का वैल्यू थ्री आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू थ्री इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं या सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, तो एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू में फोर, एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू में फोर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बाई टू, अच्छा एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू में फोर। चलिए अब देखते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल टू में फोर, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वाई बाई टू इक्वल टू में वन आ जाएगा, यानी वाई का वैल्यू टू आ जाएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू थ्री हो गया और वाई का वैल्यू टू हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।